और आज हम लोग आए हैं कि आस्था का मंदिर है। यहाँ का जगह का नाम पहले आपको हम बता देते हैं, ये बिरौल प्रखंड के अंतर्गत ये हनुमान नगर घोगसर गांव है। ये बिरौल पंचायत में पड़ता है, हनुमान नगर के पास ये घोगसर गांव है। घोगसर गांव में यहाँ पर मैं काफ़ी समय से, आज 15 साल से ये मंदिर है और ये मनसा माई का मंदिर है। लोग इनको नाग बाबा के नाम से भी जानते हैं और ये मंदिर में इतना बड़ा आस्था है जो कि यहाँ पे काफ़ी दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। शुक्रवार और मंगलवार को यहाँ पे देखा जाता है और मैया का जो कृपा है ये इतना असीम है, यहाँ का वर्णन हम क्या करेंगे। यहाँ की लोग जो आते हैं उनसे ही हम पूछते हैं और वही बताएंगे जो यहाँ पे क्या है और कैसे है। उसके बाद आपको पुजारी बाबा से भी मिलाएंगे, उससे पहले आपको मैया का दर्शन करा दें और हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे जो आइए आकिब जी ज़रा दिखाइए मैया का दर्शन कराना है। तन यहाँ सब साइड होता से जो है यहाँ पर में देखा जाता है और ये नाग बाबा हैं। और आज आप लोग बोलिएगा जो सच्चाई हम आपको दिखाते हैं, गलत या सही वो आपका फैसला करना है। हम आपको नाग बाबा दिखाते हैं, देखिए ये हैं नाग बाबा। और ये जब आते हैं प्रणाम करते हैं पहले इनको, हाँ हाँ नहीं नहीं इनको प्रणाम करते हैं और इनको दर्शन कराते हैं आपको। देखिए यही नाग बाबा है जो कि यहाँ पे कभी लाया नहीं जाता है, ये खुद आते हैं। और यहाँ का कहना है, ये पुजारी जी से पूछेंगे जी यहाँ पर में ये नाग बाबा कैसे आते हैं। आप लोग आते हैं, क्या है सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नाग बाबा है, यहाँ पे 15 साल से मंदिर है जी। और आप रुपये आते हैं रात को 3 बजे सुबह में आते हैं और इस घंटी में लपट करके लिपट करके घंटी में, ये घंटी, हाँ हाँ इसमें हमको, ये वही घंटी है जहाँ पे ये खुद आकर के बजाते हैं और खुद बजा करके इनको पुजारी बाबा को उठाते हैं जी। हाँ उठाते हैं, तब उठते हैं तो उनको फिर प्रणाम करते हैं, फिर आकर के यहाँ पे बैठते हैं, दूध लवा देते हैं, दूध लवा पी करके फिर और भक्त जनक को जो है सो दर्शन देते हैं। हाँ अच्छा, तो ये जब से हम 14 वर्ष के थे उसी टाइम से यहाँ आ रहे। हाँ जी, तो इन ये जो आते हैं आज पूरे दिन यहाँ रहेंगे? हाँ हाँ पूरा दिन रहेंगे, 7 बजे शाम तक। 7 बजे शाम, हाँ। उसके बाद आप रुपये, हाँ, यहाँ से चले, फिर आप रुपये गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कहाँ से आए और कहाँ गए। हाँ नहीं, किसी को नहीं पता चलते। यहाँ पे कुछ भक्त जन आए हुए हैं जिनसे हम पूछेंगे जो आप लोग को क्या इसमें आस्था है, क्या विश्वास है आपका। आपका घर कहाँ हुआ ये छोड़ दियो, आपका घर कहाँ हुआ? सोनपुर। आप जो यहाँ आए हैं मंदिर में, तो ये मंदिर में किस लिए आप आए हैं? किस लिए आते हैं? मेरा नाम है गीता देवी, दिल्ली हरियाणा सोनीपत पानीपत पटना सब जगह से थक गए, फिर भी यहाँ पर बेटी रहते हैं, बेटी मंगाए जो माता रानी का शरण में आ जाओ, माता रानी के शरण में आइए तो दबाई का छुटकारा हो गए। अच्छा, 1.5 साल से हम भी आते हैं, वही बाबा दिया है माला जी। मेरा अच्छा, तो ये जो बीमार पड़ा हुआ था आपका लड़की, दवा कराए ठीक नहीं हो रहा? दवा लाखक लाख लागते, फिर भी ठीक नहीं हुआ। और यहाँ आए हैं तो यहाँ आने के बाद कितना दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से आ रहे, कुछ सुधार लग रहा है? बहुत सुधार, दवाई का छुटकारा, दवा का छुटकारा है, अभी अच्छा है जी। आपका क्या नाम है माता राम? हम ये हनुमान नगर में रहे छी। हाँ हनुमान नगर में रहे छी जी। कनी बताइयो, अहाँ जे मंदिर में आबे छी, अहाँ तो बगल के छी गाँव के, अहाँ के की बुझाइए? लोग सब झूठे के उड़ावो उड़ा दे छे, लेकिन यहाँ आई मंदिर में की आस्था छे से अहाँ बताइयो। माता तो साक्षात दर्शन दलखिन जी, तो झूठे तो की उड़ेते, तू अपन खिलाफ माता के करथिन ना। तो जब माता नहीं छथिन तो बैसल केना छथिन माता? आप रूपी एलखिन, आप रूपी आवे छथिन, अपने आप रूपी चल जाय, आप रूपी एलखिन, अपने कखनी एलखिन हन, केओ एलखिन हन, एगो 3 बजे एलखिन हन, हुनकर दूध पी ललकन हन, ओ पुजारी सब पूजा तूजा कै के ओ गेलखिन आ हुनकर दूध पीलकन, आ दूध पी के आ ओ नहीं उठै छलखिन तो ओ सुतले रहथिन सेवक, हुनकर घंटी में कहानी घंटी में लटकै छलखिन, हुनका देखलकन तो छुपि गेलन, तकर बाद फिर निकललखिन हन देह भुटकै छन, जाके ओ अयलन हन तो पूजा तूजा कलकन, दूध रखलकन, दूध पीलखिन, अपन ओ चौक मारि के अपन बैठल छथिन, 7 रूप धेने छथिन माता, 7 रूप दए के अपन बैठल छथिन, ओ जा छथिन नहीं तो एठन वेलखिन के ना। देखिए ये सच्चाई एक है, एक सच्चाई है जो ये बोले माता राम जो 7 रूप धरे हैं, देखिए इनका
सात रूप हकीकत में है। जरा गौर से दिखाइए तो कैमरामैन से आग्रह करेंगे, जरा आराम दिखाइए आप। हाँ हाँ लाइए, एक मिनट दीजिए कैमरा आप मुझे। ये देखिए इनका जो है सात रूप है, आपको अगर लग रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं, हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखिए इनका सात रूप इसमें स्पष्ट दिख रहा है। और अगर ये आस्था नहीं और सच्चाई नहीं है तो ये क्यों यहाँ बैठे हैं, ये चले जाते इंसान। कहाँ घर कहाँ भेल? बरसाम। अहाँ अते दूर से मंदिर में की करे ले लिए? मैया का दर्शन करे लिए। मैया का दर्शन? हाँ। अहाँ की यहाँ विश्वास ये है मैया पर? विश्वास से पर लिए ना जी। हाँ। की दिक्कत ले क्या लिए यहाँ? सब घर में छिन भिन छे ते ले क्या छे तो की ठीक भले एबे के लिए ना आया अपन आप जे मैया कह देथिन ठीक रहते। हाँ। कहाँ से लिए ना? सोनपुर से। सोनपुर से अहाँ के की विश्वास ये है मंदिर? पूरा विश्वास, पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। और ये भीड़ जो है जब तक विश्वास नहीं है तो फिर क्यों है? और यहाँ पे काफी संख्या में लोग आता है और आकर के मैया का दर्शन कर। बिरौल के कोर्ट के वकील साहब आए हुए हैं रविंदर जी, इनसे पूछते हैं, ये तो वकील साहब है और प्लस डॉक्टर भी है, आप जो इस मंदिर में आए हैं क्या विश्वास और आस्था लेके आए हैं? सबसे पहले कोई भी कहीं कदम उठाता है तो अपनी मन में श्रद्धा और विश्वास रख के ही आगे की ओर कदम उठाता है। इस पर इस मैया के मंदिर में शवों की आस्था है, विश्वास है और विश्वास के साथ ही शवों की मनोकामना पूर्ति होती है। उस मनोकामना जो भी अपने मन में रखता है श्रद्धा के साथ, शवों की मनोकामना पूर्ति होती है। बरसाम हमारा गांव हुआ जी, भेजा बरसाम। जोर से हाँ, भेजा बरसाम हमारा गांव हुआ। भेजा बरसाम जी, जी। हमारा बहन बहने रहते हैं सोनपुर में जी, उन्हीं की जानकारी हमको दी, हमारा घर का बहुत छिनबिन हो गया तो बोले मैया दरबार में सब पूरा हो जाएगा। एक महीना पहले भी हम आए थे, हमको कुछ आराम बहुत शांति कुछ लग रहा है तो दोबारा आज फिर हम आए। आपको मतलब विश्वास है घर में शांति है? हाँ। कोई तरह की दिक्कत नहीं? हाँ। जब से आए मैया के साथ, हाँ, में तब से हाँ, आपका काम हो गया? हाँ। जैसे कि देख रहे हैं इनका कहना है जो जब से हम मैया के शरण में आए हैं हमारा काम पूर्ण हुआ है। जब तक विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, सही नहीं होता है तो लोग क्यों आए और क्यों आता है।